दोस्तों सपोज दैट मुझे 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस, 400 मीटर रेस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मुझे अपने कॉलेज में या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि मैं वहां कुछ ना कुछ मेडल जीत के लाऊं, तो क्या हम उसेन बोल्ट के वीडियो को देखते रहें कि वो कैसे दौड़ रहा है और सुबह शाम उसके वीडियो हम देखें, तो क्या हम जो कंपटीशन होने वाला है उसमें हम जीत जाएंगे, या फिर हम खुद दौड़ के प्रैक्टिस करेंगे तो जीतेंगे? ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो आप जरूर ये बोलेंगे कि नहीं सर, वीडियो देख के हम दौड़ना नहीं सीख सकते, उसके लिए तो हमें प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। अब हम आते हैं कि सपोज दैट आपको क्रिकेट सीखना है और आप जो है सोचेंगे कि मैं सचिन तेंदुलकर कैसे बैटिंग कर रहा है, कैसे फील्डिंग कर रहा है, उसको मैं देखूं और वहां से मैं क्रिकेट सीख लूं, उसको देख देख के ही, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। आपको बैट पकड़ना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉल्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाके आप जो है बैटिंग या फिर आप जो है क्रिकेट सीख सकते हैं। तो फिर आप ऐसा क्यों सोच लेते हैं कि किसी का वीडियो और किसी के मोटिवेशनल वीडियो को देख के हम प्रोग्रामिंग सीख लेंगे? जस्ट कोई हमें बता देगा कि ऐसे ऐसे प्रोग्रामिंग करना है और हम प्रोग्रामिंग करने लगेंगे, ये कैसे आप सोच लेते हैं? तो यही मैं आपको एहसास दिलाना चाहता था कि प्रोग्रामिंग ना तो मेरा वीडियो देख के ना और किसी के वीडियो देख के आप सीख सकते हैं। हाँ, आप उसेन बोल्ट के वीडियो को देख के आप ये देख सकते हैं कि दौड़ते समय उनका गेस्चर क्या होता है, वो किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं, उनका जो है वो कैसे प्रैक्टिस करते हैं, उससे रिलेटेड अगर कोई वीडियो हो तो उसको देख के आप समझ सकते हैं और उसी तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। बट केवल उसको देख के आप नहीं सीख सकते हैं। उसी तरह आप सचिन तेंदुलकर जो है अगर बैटिंग कर रहे हैं तो किस तरह के बॉल को वो कैसे टैकल कर रहे हैं, ये देख के आप एक आइडिया ले सकते हैं, बट आप पूरा कंप्लीट क्रिकेट या कंप्लीट बैटिंग उसके बैटिंग को देख के नहीं सीख सकते हैं। तो यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि केवल आप किसी का वीडियो वॉच करके, किसी के प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल्स देख के आप प्रोग्रामिंग नहीं सीख सकते हैं, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो चलिए, इस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर ले, आप बगल में जो बेल उसे जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि प्रोग्रामिंग स्किल हम अपना इंप्रूव कैसे करें। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स का, क्योंकि स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हम प्रोग्राम नहीं कर पाते हैं, कुछ नए प्रॉब्लम आते हैं तो उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू, जबकि हमें प्रोग्रामिंग आता है, हमें फॉर लूप कैसे चलता है ये आता है, मुझे इफ कंडीशन कैसे चलता है ये भी आता है, मुझे फाइल हैंडलिंग आती है, मुझे एरे आता है, मुझे पॉइंटर आता है, मुझे सब कुछ आता है। पर जब प्रोग्रामिंग की बात आती है, जब बोला जाता है कि ये प्रॉब्लम है और इसके लिए आप प्रोग्राम लिखो, तो वहां हम फंस जाते हैं अगर उस प्रोग्राम को हमने पहले से नहीं कर रखा है। तो यहां प्रॉब्लम आती है प्रैक्टिस की। एक्चुअली क्या होता है कि आप मेरा सी का वीडियो देखते हैं, सी का वीडियो देख लेते हैं, समझ में तो आ जाता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आपको समझ में तो आ जाता है ये प्रोग्राम कैसे कैसे हो रहा है, बट आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। आप बिल्कुल वीडियो देखें, पर वीडियो देखने के साथ साथ बगल में आपका लैपटॉप होने चाहिए, जो प्रोग्राम हम करा रहे हैं उस प्रोग्राम को वहां पर आप टाइप करें, उसको रन करके देखें, उसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस करके देखें, आप देखें कि सर ने यहां प्लस प्लस लगाया है तो चलो यहां पर माइनस माइनस लगा लेंगे तो क्या होगा, चलो इस प्लस प्लस को यहां से हटा के वहां लगा देंगे तो क्या होगा। ये चीजें आपको चेंज कर करके आपको देखना पड़ेगा, जिससे आपका जो प्रैक्टिस है या जो आपका प्रोग्रामिंग स्किल है वो इंप्रूव होगा।
तो यहां पर प्रॉब्लम है प्रैक्टिस की। उसके बाद एक दिक्कत और है, जब आप प्रोग्राम करने बैठते हैं ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि कोई प्रॉब्लम आया तुरंत लैपटॉप उठाते हैं और उस पे कोडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। एक्चुअल में किसी भी प्रोग्राम को डायरेक्ट कोडिंग नहीं किया जाता है। आप कोई भी प्रॉब्लम लेते हैं तो पहले उसके छोटा सा एल्गोरिदम लिखें, फिर उसका फ्लो चार्ट बनाएं, उस प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन में डिवाइड करें और उसके बाद तब जाके उसे प्रोग्राम में कन्वर्ट करें। क्या होता है कि आप पहले ही जो है उस प्रॉब्लम को डायरेक्ट कोडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, पता चला फिर कोडिंग में आपको पता ही नहीं चलता है मुझे करना क्या है और क्या नहीं करना है। जैसे सपोज दैट आपको बोला गया कि एक जो है स्टार वाला जो पैटर्न होता है उस स्टार पैटर्न का आपको प्रोग्राम बनाना है, तो पहले आप देखिए कि वहां पर स्टार का पैटर्न कैसे है, वहां पर जो डिफरेंट लाइंस है उनमें क्या रिलेशन है, एक स्टार के बाद दो आ रहा है या तीन आ रहा है या चार आ रहा है, ठीक है, हर लाइन में स्टार में डिफरेंसेस कितने हैं, कितने कितने लाइन स्टार जो है वो डिस्प्ले हो रहे हैं, बहुत सारे चीज आपको देखने की चीज है और उसको कॉपी में जॉट डाउन करें और फिर देखें कि इसको स्टेप बाय स्टेप अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, इसको कैसे हम इस स्टार को प्रिंट करेंगे अगर हम मैनुअल तरीके से प्रिंट करेंगे तो उसके बीच में कुछ लॉजिक निकालिए, जब लॉजिक निकल जाएगा तो उसको स्टेप बाय स्टेप जो है सॉल्यूशन को लिखिए, जब सारा स्टेप बाय स्टेप आप उस सॉल्यूशन को लिख लेंगे फिर आप उसको कन्वर्ट कीजिए प्रोग्राम, आप देखिए कि प्रोग्राम कैसे नहीं बनता है, आप प्रोग्राम बनाना स्टार्ट कर लेंगे। एक्चुअली क्या होता है, आप प्रॉब्लम उठाते हैं तुरंत कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं, यही काम प्रोजेक्ट के साथ होता है, आपको प्रोजेक्ट मिलता है तुरंत आप लॉगिन पेज बनाने लगते हैं, यारे एक प्रोजेक्ट में लॉगिन पेज तो होता ही है, लॉगिन पेज आप बनाए पर उस प्रोजेक्ट को पहले एनालिसिस तो करें, क्या मॉड्यूल्स होंगे, क्या सब मॉड्यूल्स होंगे, उसके अंदर डेटाबेसेस क्या होगा, इन चीजों को तो आप देखिए। हालांकि मैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड प्रोजेक्ट में क्या प्रॉब्लम आती है स्टूडेंटों को, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसलिए मैं उसको बहुत ज्यादा यहां डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको प्रोग्रामिंग सीखना है तो पहले आपको एल्गोरिदम बनाइए, फिर फ्लो चार्ट बनाइए और उसके बाद उसे प्रोग्राम में कन्वर्ट कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और अगर आपको ऐसे प्रोग्रामिंग लिखने की प्रैक्टिस नहीं है तो फिर आप प्रोग्रामिंग कभी नहीं सीख सकते हैं, आपके पास जैसे ही नया प्रॉब्लम आएगा आप फंस जाएंगे। रटा रटाया प्रोग्राम तो आप लिख लेंगे पर जहां नया प्रोग्राम आएगा वहां फंस जाएंगे। आपको फैक्टोरियल का प्रोग्राम मिलेगा, आपको फिबोनाची सीरीज का मिलेगा, आपको पास्कल ट्रायंगल का मिलेगा, आप बना लेंगे, पर जैसे ही कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम आएगा आप वहां फंस जाएंगे, क्योंकि वो फैक्टोरियल का प्रोग्राम आप इसलिए बना पा रहे हैं क्योंकि वो रटा हुआ है। आप ये नहीं सोचे कि आपके लॉजिक बहुत क्लियर है, लॉजिक क्लियर नहीं है, वो प्रोग्राम रटा हुआ है, आप 10 बार बना चुके हैं। आप फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम इसलिए बना पा रहे हैं क्योंकि उसे 10 बार आप बना चुके हैं, इसमें लॉजिक की कोई बात नहीं है। लॉजिक आपका क्लियर है या नहीं है ये तब पता चलता है जब आपके पास कोई नया प्रॉब्लम आए और उसको आप सॉल्व करते हैं। अब ये नया प्रॉब्लम कैसे आएगा, तो मैंने आपको बताया था बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं जैसे codesafe.com है, इस तरह के वेबसाइट में जाइए, आपको नए नए प्रोग्राम मिलेंगे, नए नए तरीके के प्रॉब्लम मिलेंगे, इसको आप जो है प्रोग्राम में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपका प्रोग्रामिंग स्किल अपने आप इंप्रूव हो जाएगा और आपको प्रोग्राम करने में मजा आने लगेगा। आपको प्रोग्राम करने में इसलिए मजा नहीं आ रहा है क्योंकि आप वो रटा रटा प्रोग्राम कर रहे हैं, फिबोनाची, फैक्टोरियल, प्राइम नंबर, इवन ऑड, आपको लग रहा है ये क्या है यार, ये तो 10th में भी करते थे, 12th में भी करते थे, बीसीए में भी करते थे, अब एमसीए में भी कर रहे हैं, बीटेक में भी कर रहे हैं, तो आप बोर हो जाते हैं क्योंकि आप नए प्रॉब्लम्स नहीं ले रहे। आप नए प्रॉब्लम्स लीजिए, उस प्रॉब्लम को करने में आपको हो सकता है 5 दिन लगे, 10 दिन लगे, पर उसके बाद जो आपको मजा आएगा फिर आप मुझे बताएं। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था, तो प्लीज आप जो भी मैं इस तरह की चीजें बता रहा हूं इसको अप्लाई करें, केवल वीडियो देखने से नहीं होगा, इसको अप्लाई करें, इसको यूज में लाएं, इसको इंप्लीमेंट करें और हर दिन आपको प्रोग्रामिंग करने पड़ेंगे अगर आपको अपने प्रोग्रामिंग स्किल बढ़ाने हैं। आप अगर एक दिन भी प्रोग्रामिंग छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब जो है आपको आगे दिक्कत आने वाला है। प्रोग्रामिंग आपको डेली करना पड़ेगा,
जब आप डेली करेंगे तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है, एक दिन आप गूगल, फेसबुक और इस तरह के बड़ी कंपनी में आप जरूर जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लिया, बगल में जो बेल से जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज है उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।